रहे हो, हंसना नहीं। उसमें बढ़िया लग गई है और हफ्ते में 5 दिन करना, 2 दिन कॉलेज, ये मैंने सोचा था। बैटरी गरीब फुल पावर करनी पड़ती है भाई, यहाँ सब करना। भाई मेरा मन में इतना वो हुआ ना, मैंने यार डस्टिंग की। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। क्या हाल है भाई, मैं लेट हो गया हूँ। मेरे को तुम्हारे भाई को काम मिल गया, सारी चीज़ें फुर्सत से बताऊँगा। इतने दिन से व्लॉग क्यों नहीं हो रहे थे, सब कुछ बहुत लोगों के भाई मेरे पे इंस्टा पानी गिर गया ना, बहुत लोगों के इंस्टाग्राम पे मैसेज भी आए थे। आज मैं लेट उठा यार, मम्मी फ़ोन करती रह गई, मैं लेट उठा बहुत ज़्यादा, इसलिए सुबह सुबह नाश्ता भी नहीं किया आज। कोई बात नहीं, आज जिस दिन व्लॉग करना ना उसी दिन नहीं नहाया मैं, क्योंकि मैं रात को नहा लिया था 11:30 बजे। मैंने चल ठीक है, रात को नहा लेते, सुबह नहीं नहाएंगे। 2 मिनट है मेरी बस निकल जाएगी, 2 मिनट बाद बस है मेरी, वरना फिर आधे घंटे बाद मिलेगी। 8 से 2 मिनट, टेंशन मतलब कि कितने बजे की शिफ्ट होती है और कब कब होती है, ठीक है। मैं पहले बस में पहुंच जाऊँ, फिर सारी चीज़ें बताता हूँ तुम्हें, ठीक है। आज तो बारिश हो रही है भाई, देख रहे हो अब तो फुल पावर बारिश हो रही है। जिस दिन ब्लॉग चालू किया ना उसी दिन बारिश होनी चालू हो गई है, बस आने वाली है। फिर मैं चल को मैं बता ही देता हूँ मेरा सारा, है ना। रुको, लग रहे ना बाल बढ़िया छोटे छोटे, पता है मेरे को सेट नहीं है क्योंकि मैं सो के उठ के आ गया यार, और लैबास ही आ गया। मैं तुम्हें कैसे बताऊँ चीज़ों का, कोई बात नहीं भाई, साथ तुम पूरा दिन मेरे साथ हो, टेंशन मत लो। एक एक चीज़ बताऊँगा तुम्हें, तुम्हारे भाई की जॉब भी लग गई है, अब तुम्हें 4-5 दिन का काम है बढ़िया, मैं तुम्हें बताता हूँ सर। रुको, दूसरी बस थी मेरी बस थी। हाँ तो भाई मैंने इतने दिन से लॉक गए इसलिए नहीं गया, मेरे पेपर चल रहे थे, और दूसरा मैं जॉब के लिए बहुत परेशान था। अब जब आज मैं जा रहा हूँ, मेरी वेयर हाउस में लग गई है, फार्म बॉय वेयर हाउस है, मतलब है मेरे घर से 40 मिनट का रास्ता, बस पे गाड़ी पे दिखाता 12 मिनट का, वो तो चल गाड़ी ले लेंगे तब की तब बात है। तो मेरी शिफ्ट होती है सुबह 8 बजे से शाम को कभी भी, मतलब कल तो मेरी शिफ्ट लगी 6.5 घंटे की सिर्फ, उससे 2 दिन पहले मेरी शिफ्ट लगी थी 10.5 घंटे की, समझ रहे हो। बहुत चीज़ें, मतलब जब काम ख़त्म हो जाए तुम्हारे पे ऑर्डर्स आते हैं कि इतने, मैं डिप वाले जो होते हैं डिप्स, जैसे पिज्ज़ा वगैरह के साथ डिप्स वगैरह खाते हैं लोग, वो डिप्स वाले डिपार्टमेंट में हूँ, हमें डिप्स बनानी होती है, फ्रोज़न डिप्स वगैरह होती है ना, वो सब बनाना होता है। तो हाँ बहुत हो गया, बड़े दिन हो गए थे भाई व्लॉग नहीं किया मैंने यार। और दिक्कत पता है क्या क्यों, एक रीज़न ये भी था, एक तो पेपर चल रहे थे, ऊपर से एक रीज़न ये भी था कि भाई मैं अब व्लॉग करता वहाँ पे अंदर कैमरा अलाउड ही नहीं है, फ़ोन अलाउड है लेकिन यार कैमरे वीडियो वगैरह बनाओ तो दिक्कत है ना फिर उस चीज़ में, वो तो कोई बात नहीं, वो तो मैंने देख लिया था। ओ भाई रूबीकॉन है, मेरे को लगा थार है। कोई बात नहीं, वो तो मैंने चलो देख लूँगा, मैं बार बार से तुम्हें दिखा दूँगा सारा, अंदर से नहीं कर सकता मैं क्योंकि, और क्योंकि मेरे भाइयों ने मेरे को मैसेज किया, थैंक यू भाई, तुमने बोला कि भाई व्लॉग डाल दो व्लॉग डाल दो, तो अब मैं व्लॉगिंग कंटिन्यू कर रहा हूँ। पापा ने मेरे को बोला कि तू व्लॉगिंग कंटिन्यू कर दे, कि एक मतलब दिन में चाहे 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट का व्लॉग डाल, लेकिन डाल दे। मैं कहा ठीक है फिर, पापा कह रहे पापा की बात थोड़ी टाली आती, आज तो लेट उठाओ ना, मम्मी गुस्सा कर रही थी। कोई बात, अब मैं जा रहा हूँ, बस आ रही है मेरी, यहाँ से निकलूँगा मैं, यहाँ से मैंने जाना पता नहीं कहाँ जाना है, जाना है मैंने, बिजनेस आगे भी है लेकिन है थोड़ा सा, बस पे लग जाता टाइम। आज तो सुबह नाश्ता भी नहीं कर पाया यार मैं, पता नहीं क्या, जिस दिन तुम्हारे से बात करने लगा हूँ उस दिन नाश्ता नहीं किया, नहाया नहीं, बारिश हो गया है अभी पीछे, पता कैसा मौसम हो गया था, हाफ स्लीव, मन कर रहा था टी शर्ट भी उतार के बंदा घूमे, नंगा थोड़ी घूमता मैं, इतनी सी शर्म है मेरे में, बस आ गई है मेरी, बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं। देख रहे हो गाइस मौसम, देख रहे हो फुल बारिश वाला, आज तो बढ़िया हो रहा है भाई। ये शूज़ दे चेक करो, ये शूज़ लिए थे मैंने नए, ये नए शूज़ क्यों लिए थे मैंने, मैं पहले दिन जब काम पे गया था ना, तुम्हें पता है पहले दिन मैं जब काम पे गया था किस लिए गया था, क्लीनिंग डस्टिंग के लिए। भाई तुम्हें सारा सीन बताऊँगा, बहुत कुछ कर लिया इस 1.5 हफ्ते में, बहुत कुछ देख लिया तुम्हारी कसम। कोई बात नहीं, आज तो कैमरा उठाया ना शायद सा फील हो रहा है। ये शूज़ यार बहुत अनकंफर्टेबल है, सेफ्टी शूज़ है, आगे का ना इसका स्टील टो होता है तो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल से है। कोई बात नहीं, हाँ पहने अब 2-4 दिन पहने ना तो पैरों में, मतलब और शुरू में तो पैरों में बहुत दर्द हुई, 2-4 दिन पहने तो ठीक हो गए, पैरों में इतनी दर्द ही नहीं हुई किसी पर, ठीक था नॉर्मल था। बाकी यहाँ से बस चेंज करनी है मेरे को, और मैंने नाश्ता नहीं किया यार, भूख लग रही है तुम्हारी कसम, बस चेंज करके मैं वहाँ जाता हूँ, देखता हूँ अगर टिमोटन्स वगैरह या अगर कुछ मिल जाए मेरे को, नाश्ता कर लेंगे ठीक है, जान दो मेरे को।
I feel like Neeraj Bhavana sab udher denge rap ke main don bane sare inko chhed denge naam chale ek number gaadi baje tez bete real raha scene mein aur bande sare fake I feel like daya ho raha hyper kaise fame lenge underground 24 ghante life tode stage bete sabne dekhe bade kyunki sabne kare chase bete aage dhoonde ek ko wo karna chahti play strange fasten your seat belt do number kaam sare le liyo feedback Delhi mera shehar yahan pe call with scenes and heat itni zyada गाइस ये यहाँ पे कहीं पे हूँ मैं, ये कुछ है दिखाऊँ तुम्हें, ये देख लो ठीक है। यहाँ पे मतलब यहीं से अंदर जाना है मेरे को राइट, मैं पहुँच जाऊँगा। मैं सोच रहा हूँ कि कुछ खा ही लूँ यार, मतलब प्राइस वगैरह या फिर ऐसा सा कुछ, क्योंकि टिम हॉर्टन्स यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है तो उतना टाइम है नहीं मेरे पास, कुछ देखते हैं। चलो रेडबुल मंगाई है भाई, मतलब मंगाई क्या ली है मैं, चल भाई नींद खुल जाएगी, मेरे को नींद आ रही है बहुत ज़्यादा। और तुम्हारी कसम आज बहुत दिन बाद मैं बाहर से कुछ खा रहा हूँ, मैं बाहर से खाना मैंने बिल्कुल ही छोड़ दिया था, पतला पतला लग रहा हूँ इसमें तुम्हें, है ना भाई हंसेगा नहीं कोई, एक एक गगन शर्मा है मुझे पता, वो बहुत हंसेगा, हंसना नहीं है कोई बात नहीं। वो मंगाया एक बर्गर वगैरह मंगाया, खा के सीधा जाएंगे, 2 मिनट की वॉक है बस, एक बार खा लूँ ना भाई पेट ठीक रहता, तसल्ली रहती है दिल को। मम्मी को ही फ़ोन कर लूँ, मम्मी वेट कर ली, बर्गर आ गया, रेडबुल बढ़िया, रेस्टोरेंट देख रहे हो पूरा खाली खाली था, ठीक है 10 मिनट रह गए शिफ्ट में, भागना फटाफट। तुम्हें पता है ना तुम्हारे भाई ने चिकन छोड़ रखा है, अंडे मैंने अभी छोड़े ही नहीं हैं, क्योंकि यार ब्रेकफास्ट के लिए यहाँ पे कुछ होता नहीं है, तो ये तुम्हें देख लो थोड़ी मुश्किल तो एक से वही। ये क्या है, ये क्या है कोई बात नहीं, चलो मैं खा लूँ। अंडे छोड़े नहीं हैं, चिकन छोड़ दिया तुम्हारे भाई ने, जबकि यहाँ पर ना मिलता ही नहीं है भाई वेज में कुछ, तो मेसी सागर में तो ब्रैम्पटन होता तो फिर मिल जाता। कोई नहीं यार, बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, मेरे को जान दो खाने दो और जाऊँ मैं भाई, बोर नहीं होते तुम मेरे से, मेरे को पता नहीं होते भाई। कर लिया खाना उना खा, मज़ा आ गया यार तुम्हारी कसम, सैंडविच से खा के बहुत बढ़िया सा था। कोई बात नहीं, 3 मिनट रह गए भाई, 8 बजे मेरी शिफ्ट चालू है, पंच इन करना होता वो तो कोई नहीं, 1 मिनट में पहुँच गया। मैं तुम्हें दिखाता हूँ फार्म बॉय बाहर से कैसा दिखता है, अंदर से हो पाया तो दिखाऊँगा वरना नहीं दिखाऊँगा, ठीक है ना, ज़्यादा बकवास मत क्या करो। कितना अच्छा लग रहा है ना इतने दिन बाद ब्लॉगिंग करके, तुम भी करा करो मज़ा आएगा। लो जी ठीक है, ऐसा ही है तो पूरा फिर आओ, मेरे को वहाँ से एंट्री करनी होती है, देख लो गाइस देखो कैसा होता है अंदर से, जैसा ये है ना ऐसा ही होता हमारा भी, ये मीट डिपार्टमेंट है हमारा, वेज वाला ठीक है ना, समझ गया अंदर से ऐसे होता है भाई, फ्रीज और चल रहा होता बहुत ज़्यादा, ठंड लगती है पूरी। अभी तुम्हें देखो डॉक्टर शाहरुख के जैसा बन के जाता हूँ मैं अंदर, दिखाता हूँ देख रहे हो, हंसना नहीं, देख लो भाई यहाँ पे कोल्ड वगैरह रख के यहाँ से अंदर जाना होता है, अभी बाहर आया हूँ तो मैंने यहाँ कोल्ड वाक से रख दिया, देख क्या कर, ये देख लो बाल देख लो कैसे चिपट गए मेरे, यहाँ पे पंच आउट करना होता है वैसे तो, एक ही ब्रेक करना होता है, या तो मैं अभी करूँगा या अगला करूँगा, अभी कर देते हैं क्या पंच आउट, बिल्कुल जा रहा हूँ मैं कुछ खाता हूँ, देखोगे तुम कैसा होता है ये, ए, 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 देखो मेरे को पता नहीं है कि भाई वीडियो बनाना अलाउड है नहीं है, यहाँ पे फंस गया ना अगर मैं तुम्हारी वजह से तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। देख लो भाई ये क्या कट एरिया, देख रहे हो इस बार बारिश हो रही है, फिर मैं कह रहा हूँ कि 10 बजे हुआ था पहला ब्रेक, मैं वो कर दूंगा क्या कहते हैं पंच इन कर दूंगा वापसी, अगला ब्रेक लेंगे 2-2.5 बजे के करीब ठीक है, तो मैं सीधा मिलूंगा अगले ब्रेक में, अगले ब्रेक में इतना शूट नहीं करूंगा क्योंकि खाना वाना खाना होता है फिर टाइम निकल जाता है उसमें, अगले ब्रेक के बाद सीधा मिलेंगे शिफ्ट एंड होने पर, आज देखते हैं कितने घंटे करती है आज, तो वैसे आए 2400 ऑर्डर हैं तो लेट्स सी ठीक है यार, एक तो लाइटों की बड़ी दिक्कत है। ओके भाई छुट्टी हो गई है भाई, 1 मिनट रुक जाओ वो कर दूँ, आउट कितने घंटे हुए, 6 घंटे 6+ ठीक है 9 घंटे हो गए गाइस, आज के 9 घंटे की शिफ्ट लगाई है। अभी सारा समझाता हूँ तुम्हें बाहर जाके, पहले मेरे फ़ोन में चार्जिंग नहीं है, मैं ज़रा बैठता हूँ 10-15 मिनट चार्ज वगैरह कर लूँ फिर निकलते हैं ना, फिर तुमसे मैं तसल्ली से बात करता हूँ और सारा समझाता हूँ तुम्हें, मतलब 1.5 हफ्ते में हुआ क्या क्या मेरे साथ ठीक है। हाँ तो गाइस क्या हाल है भाई, 5 मिनट है बस के उस पर पहुँचने में, मतलब और 5 मिनट में ही बस निकल जाएगी,
तो मैं 5 मिनट आया तुमसे बात कर लेता हूँ, मेरी बात सुनो हुआ क्या क्या। जो एक डेढ़ हफ्ता मैंने व्लॉग नहीं किया ना भाई, उसमें मैं परेशान भी बहुत था जॉब वगैरह के लिए, लेकिन जॉब बढ़िया लग गई है अब यहाँ पे वेयर हाउस में, फार्म बॉय वेयर हाउस है, तुम्हें मैंने सुबह ही बता दिया था, वेयर हाउस में बढ़िया लग गई है। और हफ्ते में 5 दिन करना, 2 दिन कॉलेज, ये मैंने सोचा था। लेकिन यहाँ अब मेरा कॉलेज का मैंने टाइम टेबल बनाया, तो भाई इस बारी मेरे 7+8 सब्जेक्ट हैं यार, इंक्लूडिंग इलेक्टिव 8 सब्जेक्ट हैं, तो मेरे को 3 दिन कॉलेज जाना ही पड़ेगा। वो तो मैं देखूंगा, क्योंकि ट्यूसडे को मेरी 2 ही क्लासें हैं, एक ऑनलाइन है एक ऑफलाइन है, तो मैं ट्यूसडे को देखूंगा कि ट्यूसडे को मेरे को जाना है नहीं जाना। अगर वो उससे एक क्लास बहुत इंपॉर्टेंट हुई तो जाएंगे। हाँ, बात कंप्लीट करते हैं। तो भाई डेढ़ हफ्ते में जॉब वगैरह के लिए बहुत परेशान था, मैंने अपने लैंडलॉर्ड को भी फ़ोन किया था, उसने एक वहाँ पर बात करी थी किसी से, उसके फ्रेंड का रेस्टोरेंट है यहाँ पर ब्रैम्पटन में, तो उससे भी उसने बात करी थी, तो वहाँ पे भी उस पर कोई रिस्पॉन्स। मैं वहाँ गया, उसने मेरे से इंटरव्यू लिया, उसने कहा आज काम करके दिखा दोगे, मैंने हाँ कर दूँगा भाई। मैं वेटरी गरीब फुल पावर करनी पड़ती है भाई, यहाँ सब करना पड़ता है। तो 3-4 घंटे काम किया मैंने, और कैनेडा के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से आप किसी से फ्री में काम नहीं करवा सकते। भाई मैंने 3-4 घंटे काम किया, तो उन्होंने मेरे को बोला कि अपना नंबर दे जाओ, कल आपको फ़ोन आ जाएगा। कल हो गया, परसों हो गया, तरसों हो गया, हफ्ता हो गया, फ़ोन नहीं आया। मैं उसको मैसेज कर रहा, तो वो बार बार यही कहे कि मैं मैनेजर विल कॉल यू। वो पीछे बादल देख रहे हो कितने बढ़िया हो रहे, तो बार बार यही कह रहा मैं मैनेजर विल कॉल यू, मैनेजर का आता पता नहीं। चलो वो भी हो गया। फिर भाई अब यहाँ जहाँ फार्म बॉय में पता है कैसे लगी है, यहाँ पे ना हमारे ऊपर एक दीदी रहती है, उनके दोस्त हैं, उनको मैंने बोला था कि ऐसे ऐसे बात कर लेना आप अपने वहाँ पे बात कर लेना कि मेरी जॉब वगैरह के लिए। भाई काम इतना हेक्टिक नहीं है यहाँ पे, और रुको सांस ले लूँ, अब मैं रुक जाओ, बस आ गई मेरी। हाँ भाई मैं कह रहा हूँ काम इतना हेक्टिक नहीं है, लेकिन यहाँ पे पता हायरिंग किस चीज़ की निकली थी, डस्टिंग और क्लीनिंग की। भाई मेरा मन में इतना वो हुआ ना, मैंने यार डस्टिंग क्लीनिंग करूँगा, और 2 दिन के लिए करनी थी 8-8 घंटे, लेकिन मेरे को ये था मेरे $250-$300 बन रहे थे, मैंने देखी जाएगी कर लेंगे। भाई मैं पहले दिन आया यहाँ पे, झाड़ू झूड़ू दिया इन्होंने मेरे को, फुल जमादार वगैरह बना दिया। अब मैं आया, मैंने झाड़ू वगैरह लगाए, झूठ नहीं बोलूँगा भाई तुमसे लगाए, 1 घंटा पूरा झाड़ू वगैरह करे, फिर उसके बाद इन्होंने मेरे को अंदर बुला लिया, इन्होंने मेरे को कहा कि प्रोडक्शन फ्लोर पे काम करोगे। प्रोडक्शन फ्लोर पे मेरे को लगा कि प्रोडक्शन फ्लोर पे भी क्लीनिंग करनी होगी, लेकिन नहीं, मेन काम करवाया अगलों ने, मेरी जान में जान है। वो जो भैया ने मेरे को लगवाया था ना, उसी के साथ लगवा दिया मेरे को, बिल्कुल उसी के साथ लगा दिया। मैं खुश इतना, ओ बस आगे रुक जाओ बस छूट गया यार, रेड लाइट के चक्कर में। क्या यार साल बहुत दिक्कत है यार, जब तक यहाँ पर लाइट नहीं होगी तब तक आप रोड नहीं क्रॉस कर सकते। बस ही छूट गया, आधे घंटे बाद है बस, मैं देखता हूँ या तो ऊबर करके चला जाता हूँ, $12-13 लगते हैं, ज़्यादा नहीं लगते यहाँ से, चलो देखते हैं कुछ करते हैं ना। भाई ऊबर में तो $22 दिखा रहा, तो वर्थ इट नहीं है, कोई नहीं आधा घंटा रुक जाते। जहाँ सुबह रुका था ना भाई, उसका क्या कहते हैं सैंडविच बहुत बढ़िया था यार, $4 का सैंडविच था, बढ़िया आराम से फुल पेट भर के गया था मैं, और रेड बुल पी के गया पूरे। मेरे को भाई काम मेरे को इसलिए पता अच्छा लगता है, अंदर पता है क्या करना होता है, डिप्स वगैरह बनानी होती है, मस्टैंग की आवाज़ सुनी तुमने, अंदर डिप्स वगैरह बनानी होती हैं, बाकी उसमें क्या उसको पैक वगैरह करके बस वो कर अंदर वहाँ स्कैनिंग करवाने लेके जाना होता है। काम अच्छा है भाई, इसलिए तुम्हारा भाई अब खुश है, 5 दिन हफ्ते का काम है अभी, 8 मई तक तो 5 दिन करूँगा, उसके बाद से कॉलेज चालू हो जाएंगे तो वो करेंगे। तो भाई इसीलिए व्लॉग रेगुलर थे। और हाँ भाई यहाँ पे काम मेरे को मिला, और नव भैया के मैं बता रहा था ना मेरे क्लीनिंग के लिए, फिर उसके बाद नव भैया के अंडर ही लगा दिया मेरे को, इन्होंने कहा कि 2 दिन आपका काम देखेंगे, 2 दिन में आपका काम अच्छा लगेगा तो फिर आपको बताएंगे, वरना ओके टाटा भाई 2 दिन की पे ले लेना आप हमसे। मैं कहा ठीक है भाई। भाई 2 दिन इतना बढ़िया काम किया ना तुम्हारे भाई ने, बता नहीं सकता मैं तुम्हें, बढ़िया आराम से भाई, मज़ेदार। मैं कहा चलो कोई बात नहीं भाई। 2 दिन बाद इन्होंने मेरे को कहा कि आपको स्केड्यूल पे चढ़ा, भाई मैं इतना खुश। मैंने वैसे अपने घर वालों को भी नहीं बताया था कि मैं काम कर रहा हूँ,
लेकिन जिस दिन पक्की हो गई थी तो मैंने बता दिया था तो भाई क्या बोलता, सफाई करने जा रहा हूँ। कोई बात नहीं भाई, बहुत लोगों को ना यहाँ पे बहुत कुछ करना पड़ता है, हम तो फिर भगवान ने अच्छी पता नहीं कुछ अच्छा ही चाहे जो कि अच्छे काम से ही कर रहा हूँ। और हाँ, मेरे को पता उबर वगैरह के लिए भी, व्लॉग्स के लिए भी वेट कर रहे हो गाइस, आई नो। ट्यूसडे वेंसडे का ऑफ है मेरा, कोशिश करूँगा कि मैं उबर पे जाऊँ क्योंकि हफ्ते में 5 दिन यहाँ पे काम है, ऐसी फीस जुड़ेगी भाई। कोशिश करूँगा उबर पे जाऊँ तुम्हारे लिए, क्योंकि मेरा बिल्कुल मूड नहीं है अब उबर पे जाने का। मेरे को पता है साइकिल पे वैसे खर्चे हैं मैंने, लेकिन कोई बात नहीं यार, खर्चे हैं तो काम ही आएंगे वो भाई। ठीक है, कभी जैसे इंडिया में स्कूटी वगैरह नहीं होती, कोई सामान लेना होता था फटाफट उठाई साइकिल चले गए, वैसी है वो भी, समझ रहे हो। ये एस्थेटिक के छोड़ो, मैं क्या बोलूँ, इन्हें बेचारे बुरा मान जाएंगे और मैं यहाँ लड़ना नहीं चाहता। कोई नहीं गाइस, मैं थोड़ी देर अंदर वेट कर लेता हूँ, अपना कुछ खा लेते हैं फिर से, है ना। भूख तो लगी रही है, अपनी लगती मेरे को कब नहीं लगती। चलो मैं अंदर जाऊँ कुछ खा लूँ, फिर मैं निकलता हूँ घर, फिर व्लॉग को करते ख़त्म, ठीक है भाई। हाँ, एक चीज़ मैंने देखी है कि क्योंकि वीडियो का टाइटल मैंने ये डाला होगा, हाउ टू गेट अ जॉब इन कैनेडा, कि मेरे को जॉब कैसे मिली कैनेडा में। भाई एजेंसीज को फ़ोन करो ज़्यादा से ज़्यादा, या तो किसी की रेफरेंस लगवाओ। भाई की मैंने रेफरेंस लगवाई थी तो मेरे को आ गया, एजेंसी वाले ने सीधा मेरे को फ़ोन कर लिया। तो एजेंसियों को फ़ोन करो ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा। किसी के पास नहीं है एजेंसी के नंबर, मेरे को व्हाट्सएप कह रहा हूँ, इंस्टाग्राम पर टेक्स्ट कर दो, मैं तुम्हें कम से कम 200 नंबर भेज दूँगा भाई, उसकी टेंशन मत लो। लेकिन एजेंसियों को फ़ोन करो, एजेंसी से ही लगेगी, ठीक है। कितने सारी राम कथा सुन ली ना तुमने मेरी, तो भाई सुनोगे, डेढ़ हफ्ते व्लॉग नहीं किया भाई ने। चलो कोई ना, मैं बहुत भाई पूरी कोशिश करूँगा कि व्लॉग रेगुलर आए। और अभी हुए थे 300 सब्सक्राइबर, 400 होने वाले हैं, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, मेरे लिए बहुत है 400 बंदे। तुम एक बार ना गूगल करके देखो 400 बंदे होते कैसे, कितने मतलब कितने दिखते हैं इकट्ठे, तो मेरे लिए बहुत है भाई। कोई नहीं, हम 4 मिलियन भी करेंगे, सब करेंगे धीरे 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 धीरे। बाकी मेरी राम कथा सुनने के लिए थैंक यू भाई। अभी ब्लॉग नहीं ख़त्म कर रहा, पहले खा लूँ मैं, खा लूँ फिर करेंगे, घर जा के करेंगे ब्लॉग का कंटेंट, कहीं ना कहीं से चूस ना हूँ भाई। मैं इतना खुश कि वेजी बर्गर मिल गया यहाँ पे कहीं पे, मतलब वेज बर्गर मिल गया मेरे को, इतना खुश मैं। ये देख लो इसके ऊपर ये क्या है, क्यों है, मतलब ये बर्गर के अंदर होना चाहिए ना, ये ऊपर क्यों है। मैं जब से वेजिटेरियन हुआ ना, चीज़ें मेरी लाइफ में अच्छी हो रही हैं, लेकिन मेरे को खाना नहीं अच्छा मिल रहा है यार। यहाँ पे कुछ है नहीं भाई, ब्रैम्पटन जाओ, इतनी चीज, उस दिन मलाई चाप खा के आया मैं, वाओ, खिलाऊंगा तुम्हें किसी से, मतलब वर्चुअल। ओके घर वालों की उम्मीदों को डका था धुएं में वो, बहन मेरी साथ की मेहनत को फेंका कुएं में, यार समझ गया था खुद से। भाई ये लो, घर के मैं पहुंच गया हूँ। अरे अंकल क्यूटी, ये देख रहे हो अंकल, घर के मैं पहुंच गया हूँ भाई। ये शूज, मैं जा रहा हूँ घर, ये पहले ये वाले शूज़ चेंज करूँ, अभी मैं जाऊँगा। इसके बाद थोड़ी देर ना फ़ोन वगैरह चार्ज करके आधे घंटे में निकल रहा हूँ, मेरे को सामान लेना है वॉलमार्ट से भी, डॉलरामा से भी, तो उसका भी व्लॉग बना ही लेते हैं। कोई ना, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, फिर अभी फिर शूज़ वगैरह चेंज कर लूँ, क्योंकि ये भाई ये पैर में बहुत दर्द करते हैं, बहुत अनकम्फर्टेबल शूज़ हैं तुम्हारी कसम, स्टील टो है ना, आगे से क्या ही कर सकते हो। कोई नहीं, कर जा रहा हूँ, मिलता हूँ आधे घंटे बाद, ठीक है गाइस। हाँ जी, निकाल लिए गाइस साइकिल, एक तो मडगार्ड ढीला हो गया, पीछे से गंदी हो रही है भाई, ये देख रहे हो, मेरा मडगार्ड नहीं मिल रहा आगे वाला, कहीं पता नहीं कहाँ गया। बहुत दिन बाद साइकिल चला रहा हूँ ना भाई, मज़ा आ रहा तुम्हारी कसम आज तो, ओए होए होए होए, पीछे बिल्डिंग ही इतनी बढ़िया लगती है ना। अब मैं अभी कवर चेंज किया, इसके पीछे मैग्नेट लगी हुई है ना मेरे कवर के, हाँ हाँ, गगन मीरा ने मेरे को कहा कवर के पीछे मैग्नेट नहीं, मतलब कवर के पीछे नहीं चिपकाते मैग्नेट को, वो अटकाना होता है उसको, मैंने चिपका रखी है, बताओ। कोई बात नहीं, हाँ जाते हैं सामान ले लेते हैं, बहुत दिन हो गए है ना साइकिल पर घूमे हुए। मैं बनाऊँगा उबर का व्लॉग, टेंशन मत लो, जॉब लग गई तो क्या तुम्हारे लिए करना ही पड़े, नज़र लगा दी नज़र तुम्हारे लिए तो करना ही पड़ेगा ऊपर का, ठीक है ओके। कुछ मैं तो देखो, एक सनसेट देख लिया तुमने, एक ये पीली सी कलर की गाड़ी, ये देखो कमेरो, हाय 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 हाय, क्या लग रही है ना, बढ़िया पता मुझे, पहुँच गया गाइस मैं, हाँ हाँ। एक तो ये ले रहे हम, हमारा दूध बहुत वेस्ट होता ना, शेक वगैरह बना के पिया जाएगा, ठीक है ना, ठीक है ले लेते हैं, और बाकी देखते हैं, ये तो ले ही लूँ, बाकी देखता हूँ।
देखो ये ग्लास वाले हैं, ग्लास वाला लेना है। देखा ऐसा लंच बॉक्स यार, ये तो महंगे हैं थोड़े। चलो मैं चेक करता हूँ, मैं आगे डाल रहा हूँ, देखूँगी पहले क्या सिस्टम है क्या नहीं। ये लिखा होता है यहाँ पर, पता नहीं होता है यहाँ का कुछ। भाई ये है $3 का यार, ये बहुत छोटा है, इसमें बड़ा मिल जाए ना। देखो बड़ा है नहीं यार यहाँ पे, मैं पता करता हूँ, रुको। भाई देखो सारा सामान ले लिया जरूरत होगा। ये क्लीनर है, ये ड्रानो है ड्रेनेज के लिए, ये डिश वॉशर है, ये लूप है, एल्यूमिनियम फॉइल है, ये सोप है। भाई $20 का भी लाया है यहाँ पे, ज़्यादा सामान था नहीं, तुमने देख ही लिया था इतना, बट ठीक है $20 वर्थ इट थे। और अब मैं जा रहा हूँ वहाँ पे वॉलमार्ट वापसी, मेरे को क्योंकि लंच बॉक्स लेना ही लेना है, और मिक्सर का भी देखता हूँ, शायद मिक्सर भी ले लूँ। ठीक है पहले वॉलमार्ट चल जाता हूँ। ठीक है मैं सोच रहा हूँ ये ले लूँ, ये देखो $10 का है, उसमें दो पार्टीशन भी है। ठीक है ना, ये ले चलते हैं, कोई चक्कर नहीं, ये ले लेते हैं। अबे यार ये टूटा हुआ है यार, यहाँ से देख लो यार, पार्टीशन वाला और भी तो नहीं है, दिमाग ख़राब हो रहा है मेरा तो। भाई ये सही था यार, मैं सोच रहा हूँ अभी काम चल रहा तो काम चला ही लेता हूँ, थोड़े दिन में आके ना फिर ले जाऊँगा, क्योंकि अभी यार वो अगर वो वाले में मिल जाता ना वो ले लेता, इसमें स्पेस कम है। सोच रहा हूँ काम चल रहा तो काम चला ही लेता हूँ। ठीक है ना भाई, सामान देख रहे हो कैसे लेके घूम रहा है, ब्रेड भी, लोग सोचेंगे पता नहीं क्या कर रहा है। कार्ड नहीं ले सकता, नहीं ले सकता, हाँ हाँ सामान ले लिया भाई। ये देखो किंग क्वीन टावर देख रहे हो, कितने बढ़िया लग रहे हैं ना। सामान ले लिया, साइकिल पे बैठ के करते हैं, रुको भाई क्या हो रहा है, पहले कमेरो अब हमर, क्या हो रहा है आज, क्या लग रही है ना भाई हमर। H2 है मेरे ख्याल, हमारे हाँ हमारे H2 ही है। मैं दूसरे गेट से चला गया था यार, बाहर आया हूँ, देख रहे हो, आए हाय 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 दनो, क्या हाल है, वो गिल्ली कैसे हो गई, गलत बात। साइकिल पे सामान टांग लिया और मेरे को डर सा लग रहा है, मेरे को डर सा लग रहा है साइकिल पे सामान टांगने, एक साइड को भारी हो गई, अगर एक हाथ छोड़ के चलाऊंगा तो गाइस मैं गिर सकता हूँ। बाकी तुमने देख लिया होगा व्लॉग, अब मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ कि मैं डेली व्लॉग्स वापसी चालू कर दूँ, क्योंकि तुम्हें पता है यार 5 दिन काम है, तो मैं 5 दिन काम का थोड़ी वो दिखाता रहूँगा कि मैं कौन सी डिप बनाई मैंने आज, क्या करा ये, मतलब करेंगे कोशिश पूरी है कि डेली व्लॉग्स ही करेंगे अब। बाकी मिलते हैं गाइस नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर देना, अपना ध्यान रखो, ओके।